हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम 215, 75 और 15 का टायर दिखाने वाले हैं, जो कि हम जेके कंपनी का टायर दिखाएंगे आपको। और 215, 75 और 15 का टायर कौन कौन सा व्हीकल्स में लग जाता है आपको वो भी बता देते हैं। जैसे बलेरो में फिट हो जाता है, स्कॉर्पियो में भी फिट हो जाता है। तो अभी न्यू जो आया है बलेरो, न्यू बलेरो महिंद्रा में आया है, तो उसमें भी ये टायर फिट हो जाता है। तो जेके कंपनी का टायर कैसा होता है, कैसा परफॉर्मेंस देगा आपको टायर, और टायर में क्या पैटर्न होता है, पैटर्न कैसा होता है टायर का, और टायर में क्या वारंटी देती है कंपनी, वारंटी में क्या क्या कंडीशन होता है, और वारंटी कितने साल की देती है, और क्या प्राइस होगा टायर का, तो सब डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो फिर पता नहीं चल पाएगा आपको कि हम जेके टायर के बारे में क्या बताए हैं। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टायर से रिलेटेड हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो आप पहुँच जाएगा। हम इस चैनल में छोटे बड़े सभी गाड़ियों के टायर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, टायर से रिलेटेड कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आपको जो सही होगा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है टायर के बारे में, तो हम आपको जो सही होगा वो जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं 215, 75 और 15 का जेके का टायर कैसा होता है, रिव्यू करके दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 215, 75 और 15 का ये ट्यूबलेस टायर है, जो कि जेके कंपनी का टायर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जेके का लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पे साइज दिया हुआ है 215, 75 और 15 ट्यूबलेस। और इसका मॉडल नेम देख सकते हैं आप, पेटर्न का नाम क्या है यहाँ पे, रेंजर ST। यहाँ पे तो स्टिकर पे लिखा हुआ है ही, टायर पे लिखा हुआ भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले हम स्टिकर के बारे में, स्टिकर में दिखा देते हैं। तो इसमें रेंजर 80ST लिखा हुआ आएगा। ST का मतलब क्या हुआ कि हाईवे ट्रेंड, मतलब हाईवे के लिए स्पेशल बनाया गया है। वैसे आप ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों चला सकते हैं, हाईवे में भी और कच्ची रास्तों में भी आप ये टायर को चला सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल ये जो है कंपनी ST मतलब लिखा हुआ है, तो हाईवे ट्रेंड का के बनाया गया है। तो आप लोगों को हम रिव्यू करके दिखा देते हैं कि जेके का टायर कैसा होता है, फुल डिटेल्स में बता देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपको हम जेके का यहाँ पे लोगो दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से लोगो रहता है जेके टायर में। जेके टायर में आपको किसी भी कंपनी का टायर में, अपना इंडियन ब्रांड जो भी ब्रांड आता है, अपोलो, MRF, सीएट, किसी भी कंपनी में आपको इस तरह का लोगो आपको नहीं मिलने वाला है। इस तरह का लोगो आपको जो है गाड़ी पे लगने के बाद आपका लुक ही चेंज हो जाता है। ये टायर लगाने के बाद आप इसमें अगर व्हाइट कलर का पेंट भर देते हैं तो और भी देखने में सुंदर लगता है ये टायर लगने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं आप जेके टायर का लोगो है। उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं इसका मॉडल नेम। यहाँ पे देख सकते हैं रेंजर, रेंजर एचटी हाईवे ट्रेंड। ये हो गया 215, 75 और 15। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, ये लोडिंग इंडेक्स है 100S। उसके बाद यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है, तो यहाँ पे ट्यूबलेस का लोगो दिया हुआ है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपना इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, www.jktire.com। और इसका पैटर्न देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, अच्छा खासा ग्रिप देने वाला है आपको, रोड पे अच्छा खासा कंफर्ट देगा ये टायर, और अच्छा माइलेज भी निकाल के देगा। कंफर्ट एकदम बेहतरीन होगा और टायर से, जैसे अपोलो, MRF, वो सब टायर से आपको अच्छा कंफर्ट देने वाला है ये टायर, और अच्छा खासा ग्रिप देगा आपको रोड पे, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होगा ये टायर में, कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है देख सकते हैं आप। और गोटी भी अच्छा खासा गहरा होता है, मतलब 10 mm, लगभग 10 mm के बराबर इसमें गोटी रहता है। और इसका वारंटी के बारे में आपको बता देते हैं। वारंटी इसमें 2 ईयर का अनकंडीशन वारंटी है, 5 ईयर का एक्सटेंडर वारंटी है, मतलब कि 2 साल के अंदर में आपका टायर कहीं से कट फट जाता है आधा गोटी खींचने से पहले, तो कंपनी आपको टायर चेंज करके देगी। उसके बाद 5 साल के अंदर में आपका टायर कहीं से फूल जाता है, बैंड हो जाता है, बबल से निकल जाता है, या फिर कहीं से तार निकल जाता है साइड से, तो आपको कंपनी टायर चेंज करके देगी। बस इसमें एक शर्त होता है कि आपका जितना परसेंट गोटी घिस चुका होगा उतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंपनी न्यू टायर दे देगी। तो कुछ इस तरह से
वारंटी है जेके टायर का, 2 ईयर का अनकंडीशन वारंटी, 5 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रिप एंड हैंडलिंग, सबसे यहाँ पे तीन चीज़ इसका जो है मेन चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकर पे, ग्रिप एंड हैंडलिंग आपको बेहतर होगा ये टायर में, ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर होगा, ड्यूरेबिलिटी आपको बेहतर होगा, रोड को पकड़ के चलेगा ये टायर, ग्रिप अच्छा खासा देने वाला है आपको। सबसे बेस्ट टायर अभी के युग में जो है ना, सबसे बेस्ट टायर जो है स्कॉर्पियो में लगने वाला और बलेडो में लगने वाला, सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट सेलिंग टायर है तो अभी जेके में यही टायर है, जेके क्या सभी ब्रांड में सबसे ज़्यादा यही टायर बिकने वाला है सभी ब्रांड के अंदर में, क्योंकि 2021 और 22 का टायर जो है पहले बेचे थे हम लोग, 2021 का और 2022 का टायर, तो उसमें थोड़ा सा शिकायत आ रहा था कुछ। अभी 2023 में जो भी टायर आ रहा है 215, 75 और 15 का, उसमें शिकायत नहीं आ रहा है, कंपनी आगे से बोल रही है कि अब शिकायत नहीं आएगा, सुधार कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप जेके टायर में, तो आप अपने अपने गाड़ी में ये लगवा सकते हैं, बोलेरो में फिट करवा सकते हैं या फिर स्कॉर्पियो में फिट करवा सकते हैं। आपको अगर लेना है जेके टायर तो आपके मन में अगर कन्फ्यूज़न है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि टायर कैसा है जेके का। तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं जेके का टायर 215, 75 और 15 का, तो आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टायर में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वारंटी, अच्छा सर्विस देती है कंपनी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टायर से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।